नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिलवीर जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक सीक्रेट बात बताने वाले हैं, जिन लोगों का धर्म कांटा है या जो धर्म कांटे पे काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स ने, बहुत से व्यूवर्स ने हमसे कई बार कमेंट में कहा है, भाई हमारे कांटे में ये प्रॉब्लम आ रही है, भाई हमारे कांटे में ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कांटा माइनस में जा रहा है, किसी का वेट कम ज़्यादा कर रहा है, किसी का वेट जो है बहुत ही कम दिखा रहा है। तो दोस्तों ये कब प्रॉब्लम आती है, किसी के लोड सेल खराब हो गए हैं। तो दोस्तों धर्म कांटे का एक ऐसा बिजनेस होता है, इसमें एक बार पैसा लगाएं और उसके बाद इसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता है। इसमें दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कम से कम 50 साल तक दोस्तों इसमें कोई बना डिग्री नहीं होती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को, जो मैं इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ, उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए उनका धर्म कांटा खराब भी हो जाता है और ख़राब हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप धर्म कांटे पर काम करते हैं, या आपका धर्म कांटे से रिलेटेड कोई ना कोई काम लगा रहता है, या आप धर्म कांटे के मालिक हैं, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों जो जॉब करता है उसको सिर्फ जॉब करेगा तो उसे सैलरी मिलेगी और उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ जो भी बिगड़े, चाहे कुछ भी खराब हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर इस विषय में ऑपरेटर को जानकारी होती है तो वो आपका धर्म कांटा सही रखता है, आपके फायदे के लिए रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा जो है सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक बात आप लोगों को जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपका 50,000 का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि आपका धर्म कांटा खराब हो जाता है, धर्म कांटा कम ज़्यादा वेट करने लगता है, माइनस में दिखाने लगता है, या धर्म कांटे में कोई और खराबी आ जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? दोस्तों इसका मेन रीज़न दो होते हैं। एक तो आपको मैं बता दूं कि धर्म कांटे की जो प्लेट होती है, जो प्लेट जिसके प्लेट पे गाड़ी चढ़ने के बाद लोड सेल के इलेक्ट्रिक लोड सेल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर और डिस्प्ले पे वेट दिखाई देता है। तो दोस्तों उसका एक रूल होता है जो सभी को बताया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा धर्म कांटे पे गाड़ी को सीधे ही चढ़ाया जाता है और बेग में उतारा जाता है। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, आपको भी धर्म कांटे पर सीधे ही गाड़ी चढ़ानी है और बेग में उसे उतारना है धर्म कांटे से ऊपर। जब धर्म कांटा आपका हो जाए, जब आपकी गाड़ी का बेग हो जाता है, तो आप उसे बेग में ही उतरवाएँ। तो दोस्तों अगर आप बेग में नहीं उतरवा देते हैं, आप जो है आगे से या साइड से निकलवा दिया, आपने निकलवा दी, तो वेट जो है धर्म कांटे पर भारी गाड़ी का ज़्यादा होता है, उसके जो है इधर उधर चढ़ाने से उसके लोड सेल पलट जाते हैं, लोड सेल पलट जाएंगे या लोड सेल में जो है कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, जिससे आपके यहाँ वेट कम ज़्यादा दिखाने लगेगा। अगर लोड सेल पलट गए तो आपके लोड सेल ख़राब हो जाएंगे, आपका 50,000 का नुकसान हो जाएगा, उसे आपको फिर से खुड़वा के लोड सेल उसमें लगवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि धर्म कांटे के ऊपर गाड़ी को सीधे ही चढ़ाना है। और अगर आपका धर्म कांटा सीधे चढ़ेगी और अगर आगे से है रास्ता तो आप आगे से निकलवा लें, लेकिन साइड से बिल्कुल भी धर्म कांटे पर गाड़ी ना निकलवाएं, जिससे आपकी जो है गाड़ी चढ़ते ही, भरी गाड़ी चढ़ते ही, खाली में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खाली भी ना उतरवाएँ, क्योंकि रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपके यहाँ जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको प्लेट दिखा देता हूं, बिल्कुल समझा देता हूं कैसे आपको गाड़ी चढ़ानी है, कैसे उसे उतरवाना है। तो दोस्तों आपको ये हमारी प्लेट दिख रही होगी, आपको दिख रही है हमारी 150 टन का कांटा है, इसकी 80 फीट लंबी प्लेट है। इस पर कितनी भी बड़ी गाड़ी दोस्तों आ जाए, इस पर कांटा आराम से हो जाता है। दोस्तों हमारा कांटा ये हाईवे पर है, यहाँ पर गाड़ियाँ बराबर कांटा होती रहती हैं। आपको दिख रही होंगी कि हमारे धर्म कांटे पर एक दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक रोड पर खड़ी है, कांटे पर खड़ी है, इसका भी कांटा होना है। ड्राइवर अभी होटल पर खाना खाना गया है। तो दोस्तों ये धर्म कांटे की जो प्लेट है आपको दिख रही है, तो इस पर एक रूल होता है कि इस पर गाड़ी जो है आपको सीधे ही चढ़वानी है, और सीधे ही अगर आगे के लिए रास्ता है तो आपको सीधी उतरवानी है। और हमारे यहाँ दोस्तों आगे के लिए रास्ता नहीं है तो हम बेक ही उतरवाते हैं। दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, साइड से अगर यहाँ से, जैसे ये प्लेट है, आपने यहाँ साइड से गाड़ी उतरवा दी यहाँ से, तो आपका जो है धर्म कांटे के लोड सेल पलटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों साइड से गाड़ी चढ़वाने से उसकी प्लेट जो है उसमें ये दराज जो आपको दिख रही है एक एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी, जो आपकी इस लोहे वाली
रॉड में लड़ने लगती है, इससे आपके ये प्लेट भी ख़राब हो जाएगी और उससे बेट दिखाएगा ही नहीं, गलत दिखाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको घाड़ी धर्म कांटे पर जो प्लेट है उस पर आपको सीधे ही चढ़ानी है, सीधे नहीं चढ़ाएंगे तो आपके लोड सेल पलट जाएंगे और आपका धर्म कांटा ख़राब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।